दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर पत्रकार राजीव मसंद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मशहूर पत्रकार जिन्होंने कुछ टाइम पहले पत्रकारिता को छोड़कर जो है फिल्मी दुनिया को ज्वाइन कर लिया था, वो जो है उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के बाद उन्हें मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, पर उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो दिन पे दिन गिरता जा रहा था और ऐसे में जो है उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पर डॉक्टर्स की अगर माने तो डॉक्टर्स का कहना है कि आईसीयू में रखने के बाद भी जो है उनके फेफड़ों का इन्फेक्शन जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो राजीव मसंद है वो पिछले 20 साल से फिल्मों के जाने माने समीक्षक रहे हैं और उन्होंने जो है पत्रकारिता छोड़ने के बाद जो है करण जौहर की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पर वो एज अ सीओओ बतौर काम कर रहे थे। उन्होंने जो है नई कंपनी सीए में भी जो है अहम जिम्मेदारी निभाई थी, जहां पर वो नए टैलेंट को लॉन्च करते थे और हाल ही में उन्होंने कई नए चेहरों को लॉन्च किया था, जिनमें तृप्ति डिमरी से लेकर कई नए कलाकारों को जो है फिल्मों में काम करने का मौका देने का रोल देने का जो है ऐलान किया गया था। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि राजीव मसंद की जो उम्र है वो ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 42 साल के हैं और बहुत छोटी उम्र से जो है उन्होंने फिल्म पत्रकारिता में काम करना शुरू कर दिया था और उनकी इस मेहनत को देखकर ही उन्हें जल्द से जल्द जो है संपादक बना दिया गया था। इसके बाद जो है उन्होंने खुद अपना एक शो भी लेकर आए थे, मसंद की पसंद। इस शो को उन्होंने लॉन्च किया था जिसमें वो फिल्मों की समीक्षा किया करते थे और पूरी दुनिया में जो उनके चाहने वाले हैं वो आते थे और वहां पर आकर जो है अपने इंटरव्यू देते थे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि शायद ही ऐसा कोई बॉलीवुड स्टार होगा जिसका इंटरव्यू उन्होंने नहीं लिया होगा। यहाँ तक कि बात करें अगर पिछले लॉकडाउन की, तो पिछले लॉकडाउन में भी रणबीर कपूर, रणधीर कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार आए थे और उन्होंने राजीव के शो में उन्हें अपने जो है इंटरव्यू दिए थे और बताया था कि वो लॉकडाउन में अपना टाइम जो है वो किस तरीके से काटते हैं। फिल्म पत्रकारों की अगर मैं बात करूं तो फिल्म पत्रकारों में राजीव मसंद अकेले ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसके शो की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें नेटफ्लिक्स पर भी इंटरव्यू का शो करने का ऑफर मिला था। दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो जो राजीव का शो है राउंड टेबल, उसमें बॉलीवुड स्टार आकर अपनी बातें रखते हैं और कई स्टार्स एक साथ आकर जो है बड़े बड़े मुद्दों पर बहस करते हैं। राजीव पहले जो है चैनल्स के लिए काम किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया था। अब तो दोस्तों फिलहाल तो मैं यही चाहती हूँ कि राजीव मसंद जो है भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर जाए और दोबारा से जो है अपने चैनल जो अपना शो है वो कंटिन्यू करें।